अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जलाल इलेक्ट्रॉनिक्स जीबी के चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आप में से किसी का ये जो शार्प टीवी, अगर इसको कोड लग जाए या इसको कोई पासवर्ड लग जाए तो इसको कैसे खोलते हैं। जी आप देखें, इसमें पासवर्ड आया हुआ है। देखें आप, ये रिमोट हो गया। उमूमन तो इसका पासवर्ड जो है वो 0000 से खुलता है। आप यहाँ पर ये एरर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई चीज़ इसका काम नहीं करेगा, सिर्फ इसका पावर ऑन काम करेगा। जैसे कि हमने इसका पावर दबाया, ये स्विच ऑफ हो गया। और इसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्विच ऑन हो गया और फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसमें आप जो भी पासवर्ड अगर आपने रखा हुआ है तो वो डाले पहले। अगर उससे आपका काम नहीं चल रहा है तो हमने आपको इसका मास्टर पासवर्ड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इसमें, मैंने तो बहुत सारे कोड चेक किए हैं लेकिन इसके ऊपर कोई एक्सेप्ट नहीं है। तो अभी आपने इसमें कौन सा कोड लगाना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप जब ये आपको आता है, अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया हो या इस तरह का कुछ आपके मसला आपके साथ हुआ हो, तो आपने सीधा सीधा करना ये है कि यहाँ से 2 को प्रेस करना है, फिर आपने 3, ये 3 को प्रेस करना है, फिर आपने ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 को प्रेस करना है, उसके बाद आपने 8, ठीक है, ये 8 वाला इसको आपने प्रेस करना, ये देखिए। अब इसका जो है वो आपको बाकायदा तौर पर ये खुल गया, ठीक है। अब ये बेहतरीन फाल हालत में है, ठीक है। जब इसका पासवर्ड इन्होंने रखा हुआ है 5959, ठीक है, जबकि हम इसको करते हैं 2398, ये इसका जानन कोड है। ये आप किसी भी शार्प के इस मॉडल को लगा सकते हो और ये आसानी से लग जाएगा।